प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जो प्रार्थना करने के लिए देश के ऊपर बोझ रखते हुए, देश की वातावरण को देखते हुए, देश की प्रजाओं को परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए, देश को परमेश्वर पाप से श्राप से छुड़ाने के लिए दुआ करके आंसू बहाने के लिए आए हुए सारे मंडली के सारे सेवकों को और हमारा भाई बहन को बच्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जहां इतने लोग यहां हैं अब पंडाल के नीचे भी इससे ज्यादा लोग हैं क्योंकि वहां एयर कंडीशन है, वो स्पेशल क्लास है। शाम को वो एयर कंडीशन है, वो स्पेशल क्लास है, वे लो स्पेशल क्लास। कल आपको यहां से स्पेशल क्लास भेजेंगे और उनको यहां पर लाएंगे, ठीक है। इसलिए हिम्मत के साथ रहिएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। अभी मैं आपको एक बात को पकड़ खाने के लिए चाहता हूं। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आप यहां बड़े भैया के देखने के लिए नहीं आए, किसी व्यक्ति से भेंट करने के लिए नहीं आए, महान परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए। उनका हाथ धर के हिला के हमारा देश को आशीष देना होगा, उसके लिए आए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठा के दिखाएं। वाह, हालेलुया। आप दुनिया की आवाज सुन रहे होंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन माता में मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिए, बाहर सुनेंगे वंदे मातरम भारत माता की जय, लेकिन मातृभूमि के लोगों को काट देता हूं। मातृभूमि के जय कहता है लेकिन मातृभूमि में पैदा हुआ आदमी को क्या करता है। बगल वाला से बोले, ये हमारा धर्म नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म को मनाने के लिए कोशिश करते हैं, इस साल में हमने यहां क्या क्या मालूम है, 1000 गरीब से गरीब विधवा और जो चलने का ताकत नहीं रखती है, जो बेटा नहीं देखभाल करता है, उन औरतों को बुला के 1000 लोगों को यहां पर हम लोग साड़ी बांटे। हम लोगों ने कहा, बच्चों से गीत गवाया, बच्चों से उनको नाच दिखाया और बच्चों से उनसे कहा, यीशु मसीह जन्म लिया, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। साड़ियां दी और मुंह को मीठा कर दिया। लेकिन परसों दिन हमारा भारत में लोगों ने राम जन्म को मनाया। हेलो, बगल में है 25 किलोमीटर में औरंगाबाद, नदी उस पार चले जाइएगा औरंगाबाद जिला, और वहां का मुख्य स्थान है औरंगाबाद शहर, वहां राम का जन्मदिन मनाया तलवार लेके। लो सुन लो, हमारे और उनके बीच में क्या अंतर है समझ लो। हम तो जानते हैं बर्थडे केक काटने के लिए छुरी से बच्चे केक को काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर 3 दिन के पहले हमारा एक पोता का बर्थडे था, उसने केक काटा, केक काट के दादा आप खाइए, मीठा कर रहा। लेकिन हमारा राम का जन्म में लोग तलवार लेके आता है, किसका सिर काटे, किसका दुकान लूटे। बगल वाला का हिला के बोलिएगा, हम ऐसी देवता का अंत नहीं है, हम ऐसी राह पर चलते नहीं है, हम प्रेम करने वाला ईश्वर के पीछे चलने वाले हैं। विश्वास करने वाले जोरदार हले लियो बोले। तुम तो लाठी देके मरो, बेखूफी इस संसार में हो रहा है, इस देश में हो रहा है। लोग कहते हैं मातृभूमि और कहते हैं ये हमारा धरती है, लेकिन धरती के पुत्रों को काटते हैं, लेकिन हम गले लगाते हैं। बगल वाला से बोलिए, हम काटने के लिए नहीं, गले लगाने के लिए आए हैं। समझ में आ गया हम फर्क हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं, हम लोग फर्क है भैया, उनसे हम फर्क है। इसको कहने में मुझे डर नहीं है, हम तो फर्क है, ये है फर्क है कि नहीं।
हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे ही थे। हमारे बीच में बंगलूर से एक आदमी आया है, बंगलूर से एक जवान का दल को लेके एक पास्टर आए हैं। उनके चर्च में मैं प्रचार किया और उन्होंने कहा वो हमारा जिला कराने वाले हैं। उन्होंने कहा हम लोग पगला बम बना के लोगों को देते थे। क्या बनाते थे? बम बना के, न केवल बनाते थे दूसरों को देते ताकि तुम हमसे पैसा ले लो, पैसा से खरीदो और उसको बम। लेकिन अभी अभी बम बनाते नहीं, प्रेम बनाता है। बगल वाले से बोली हम बम बनाते नहीं है, हम बम बनाते नहीं हैं, हम प्रेम बनाते हैं। बगल में हाथ पकड़ के बोलिएगा हम लोग फर्क है, हम लोग भिन्न हैं। बोलिए हम फर्क है दुनिया के लोगों से, हम फर्क है क्योंकि हम भी दुश्मनों से भी प्रार्थना, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु क्रूस पर दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया, हम उसके चेले हैं। बगल वाला का हाथ बलाक बोले हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको न केवल स्वागत करता हूं, आपको दिखाने के लिए चाहता हूं हम कैसा फर्क है। कल सवेरे भी मैं सुनाऊंगा आपको हम कैसे फर्क है, परसों भी सुनाएंगे हम कैसे फर्क है, अभी भी हम सुनाने जा रहे हैं हम कैसे फर्क है। आज मैं बतलाऊंगा एक व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए, कल मैं सुखाऊंगा एक समुदाय के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, परसों मैं दिखाएंगा एक देश के लोगों में किस प्रकार परिवर्तन है जो देश की बातों को परिवर्तित करने का ताकत रखता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा सुना के आपका प्रार्थना करने के वचन में ले आने के लिए अपने जो वक्ता आए हैं उनको मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक घटना को आपको सुनाने के दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में एक घटना यहां पर लिखी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में अगर आप इस अध्याय को पढ़िएगा आपको एक बात मालूम होगा। ध्यान से अगर मेरी ओर ताकिएगा, मेरे ओर ताकिएगा, लेकिन बाइबल में खोल के रखिएगा, खोल के रखिएगा। जब मचन वचन पढ़ूंगा तो जिसको जिसको पढ़ने के लिए आता है वे सब कोई उस बात को पढ़ेंगे। लेकिन ये 17वां अध्याय में पहला पद को कोई मेहरबानी से पढ़ेंगे, देखेंगे पहला पद। यहां माइक से कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, थैंक यू आप पढ़ती हैं अच्छा है, लेकिन यहां माइक से पढ़ेंगे सब लोगों को सुनाई पड़ेगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक, 6 दिन के बाद, थोड़ा दम लगा के पढ़ो बेटा। 6 दिन के बाद यीशु ने पत्रस और याकूब और उसके कोई भाई यूहन्ना को साथ लिया, उन्हें एक खंड में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए बहन लोग, दुनिया का यीशु मसीह के चेले कितने थे? 12 चेले में 3 जन को प्रभु यीशु मसीह एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से एक बच्चे को मोटरसाइकिल में बैठा के जाने के लिए कहिएगा पैंट पहन लो बेटा हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम उस बाजार में जाएंगे तुमको ले जा रहे हैं, और 3 बच्चा क्या कहेंगे बोलिए, 3 बच्चा क्या कहेंगे? पहले बोलेंगे हम भी आएंगे, अब कहेंगे तुम लोग नहीं इनको ले जाएंगे। तो वो तीनों के मन में क्या होगा? पहले दुख होगा, फिर गुस्सा होगा, कैसा पप्पा है हमको छोड़ दिया है, और न केवल होगा एक और कहेगा ओहो ये पापा का एकदम पॉलिश करके रखा है, ये पापा का फोट के रखा है, इसलिए पापा उसके लिए जा रहे हैं हमको छोड़ के जा रहे हैं।
सोचेंगे कि नहीं, सोचेंगे ना। वैसी हाल है यहां, 12 चेलों में से 3 जन पत्रस, याकूब, उसका भाई यूहन्ना को लेके पहाड़ पर गया। नीचे कितने लोग बच गए? 9 लोग पहाड़ के नीचे बच गए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नीचे 9 लोग बच गए। इन 9 लोगों के पास एक आदमी आया, एक आदमी आया, क्या आया? अभी पढ़िएगा, अभी पढ़िएगा 14 पद। अभी कुछ समय के बाद, कुछ घटना के बाद जिसके बारे में बाइबल वर्णन करती है, यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक के कहने लगा, हे प्रभु, ते मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वो बहुत दुख उठाता है, बार बार पानी में, आग में गिर पड़ता है, पानी में गिर पड़ता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा इसको नष्ट करने के लिए चाहता है, इसको मुआने के लिए चाहता है, इसको खत्म करने के लिए चाहता है। हे प्रभु, दया कर, मेरा बेटा का हालत बहुत खराब है, इसको दुष्ट आत्मा के जैसा वो जबरदस्ती करके उसके मिर्गी की बीमारी में ला देता है, और ऐसे जगह में इसकी मिर्गी आ जाती है, आग में है या पानी में है, ताकि मर जाए। आगे पढ़िएगा, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे, बाप रे बाप, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कुछ अध्याय के पहले, कुछ समय के पहले इन चेलों को अधिकार दिया था। बगल वाला से बोलिए, चेलों को यीशु ने अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? दुष्ट आत्मा का भगाने का अधिकार दिया। अभी इस 9 चेले जो नीचे थे, उनके पास एक आदमी लाया, और सुनिए, मेरा बेटा को ठीक कर दीजिए, लेकिन उसके चेलों से नहीं हो सका। हेलो, यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे, यीशु मसीह के साथ उठा बैठी करते थे, खाना खाते थे, सोते थे, यीशु मसीह का उपदेश सुनते थे, परंतु जब उनके सामने एक समस्या लाई गई, एक लड़का का बाप ने लाया, उनसे कुछ नहीं कर हो सका, वे तुरंत बोलने लगे, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। तब तक मैं यीशु मसीह पहुंच गया अन्य 3 लोगों के साथ। इसलिए यीशु ने क्या किया, पढ़िएगा आगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये अविश्वासी, ओ, किसको बोल रहा है ये अविश्वासी हठीले लोग? अरे भैया, बगल वाला से बोलिएगा, यीशु मसीह के चेले रहने के बावजूद भी, अच्छा से बोलिएगा, यीशु मसीह के चेले रहने के बावजूद ही अविश्वासी रह जाता है। मैं दोनों शब्दों को बोलने के लिए नहीं चाहता, एक ही शब्द के, अविश्वास कहां से आया? विश्वास के कारण भूत नहीं भाग रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा आगे, अगर तुम विश्वास करोगे, पहाड़ से कहोगे उठ के समुद्र में गिर जाएगा, अगर तुम अंजीर के पेड़ से कहोगे उखड़ के चले जाना, वो चले जाएगा, तुम विश्वास नहीं किया करके यीशु ने उन चेलों से कहा। तब चेले आके पूछ रहे हैं, पढ़िएगा आगे, पढ़िएगा 19 पद। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? ए प्रभु, आपने कहा दुष्ट आत्मा भाग गया, लड़का ठीक हो गया, सब लोग खुश हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी एकांत में आके पूछ रहा है। हमारे पास भी वही लड़का था,
समस्या वही रहा, क्यों हमसे नहीं हुआ? प्रभु यीशु क्या उत्तर दे रहा है? 20वां पद, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गट्टी के कारण, सुनिएगा ध्यान से, एक मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम राई की दाने के बराबर विश्वास करोगे और इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चले जा, समुद्र में चले जा, वो जाएगा, तब चेलों को मालूम होगी हाँ हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास की कमी है, हमारा विश्वास की गट्टी है। तब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम प्रार्थना करने के लिए जरूर आए हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास को पैदा करने की बात को मैं पहले एक रहस्य बात को, गुप्त बात को मैं सुनाने के लिए चाहता हूं। क्यों विश्वास की गट्टी हुई है, क्यों विश्वास की गट्टी हुई है, मेरे साथ अभी खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, फिर 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। वहां पर यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहा है, बातचीत करने के समय, और वहां एक बात को वो कह रहा है, और उसमें ये कह रहा है, किसी मनुष्य का ठोकर का कारण नहीं बनना। 5वां पद को पढ़िएगा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ाओ। कब कहा था मालूम है? वहां यीशु मसीह ने उनको चेलों को विश्वास की कमी, विश्वास की गटी उसको दिखाया। यहां पर चेले प्रभु से मांग रहे हैं, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। कब ये पूछा था मालूम है? अभी वहां पढ़िएगा, लिखा है वहां पर 3 और 4 पद को पढ़िएगा, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और वो पछताता रहेगा उसे क्षमा कर, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करें और 7 बार तेरे पास फिर आके कहें कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। सुनिए इस बात को, थोड़ा समझ लीजिए, यीशु मसीह कह रहा, तुम्हारा भाई अगर गलती करेगा, तुमसे आके क्षमा मांगेगा, क्षमा कर दो, समझा दो, आगे गलती नहीं करना करके। अगर एक ही गलती को बार बार एक दिन में 7 बार करके फिर आके पछताव करता, क्षमा कर दो बाबा। चेलों ने कहा, ये नहीं हो सकता, कैसा कर सकता, ये कैसा हो सकता है? तुरंत प्रभु ने कहा, इसको करना होगा। तब चेले पूछने लगे, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। बगल वाला का चेहरा देख के हाथ पकड़ के बोलिए, विश्वास बढ़ने के लिए क्षमा करने के लिए सीखो। ओहो, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु के निकट आने के लिए आपको तकलीफ होती है। कितने लोग चाहते हैं हमारी प्रार्थना का परमेश्वर सुनना चाहते हैं? आप तो देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन देश के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनना है? हां कहिए जोर से, ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। तब बगल वाला हाथ पकड़ बोलिए, आपका विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास बढ़ने के लिए क्षमा मांगने वालों को क्षमा करना होगा। एक ही दिन में 7 बार भी क्षमा मांगे, क्षमा कर लो। यहां भीड़ में कुछ लोग होंगे जिनका भाई से लड़ाई है, एक पिता जमीन के लिए और मुकदमा लड़ने के लिए गया है कोर्ट कचहरी में जाके, एक पिता जमीन के लिए दाम रहेगा 1 लाख रुपया,
लेकिन कोर्ट में वकील साहब को दिया 7 लाख रुपया। मैं चक्कनवा में, यहाँ हमारा एक हेडमास्टर काम करते थे, उन्होंने कहा भैया हमारे परिवार में बहुत साल से झंझट चलता है, आप थोड़ा आके उनको समझाइए। मैं गया था चक्कनवा में, जब चक्कनवा में गया था दोनों पार्टी को बैठाया, मैंने उस आदमी से कहा भैया एक फीता जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं, इस जमीन का दाम आपको मालूम है 30,000 रुपया है। लेकिन उसने कहा हम 30 लाख खर्चा कर लिए। मैंने कहा 30 लाख रुपया का, 30,000 रुपया का जमीन के लिए आपने कितना खर्चा कर लिया? मैंने कहा, उसका पैर पकड़ के मैंने कहा सुनो भाई को माफ कर दो, दोनों आदमी मिलजुल के रहिएगा, दोनों के लिए ये रास्ता के लिए इतना लगड़ा भाई हो रहा है, थोड़ा छोड़ दो भाई, दोनों को हम समझा देते हैं। उसने कहा नो, जान चला जाएगा, चला जाएगा। मैंने कहा चले जाओ, जान चलने दो। अगर आप मसीह हैं, अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आप देश की आशीष को, दुनिया को जीतने के लिए चाहते हैं, आपके अंदर एक पहला गुण होने की आवश्यकता है, क्षमा करने का। जब क्षमा करते हैं आपका विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है राई की दाना के बराबर हो जाता है, पहाड़ से भी कहिएगा हट जाओ हट जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक ऊंचे थाली बजा के, सिर के ऊपर थाली बजा के, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा भजन संहिता 66, भजन संहिता 66, 66 भजन संहिता में, भजन संहिता का लेखक बहुत सुंदर एक बात को लिखता है, मैं उस पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, ताकि हमारे आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ सके। 17, 18, 19, 20 पद को पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 66, 66, साम 66, वहां पर लिखा, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवा मुझसे हुआ। 18 पद, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। सबको ये 18 पद को मिलके मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, 18 पद को, यदि, सबको ही बोले, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। सबको ही दिल में हाथ रखें, सबको ही दिल में हाथ रखें। हिंदी अनुवाद बहुत सुंदर है, अनर्थ बात मतलब जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, डाह, ईर्ष्या, घमंड, झूठ, वेश्यागामी और चोरी करने की आदतें शायद दिल में से निकलता है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा, अगर मैं दिल में, मन में अनर्थ बात को सोचता हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनाई पड़ती। सबको अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु, मैं एक प्रार्थना करने के लिए, देश के उद्धार के लिए, देश को जीतने के लिए, देश की आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं, परंतु मेरा विश्वास देश को जीतने के लिए इतना भरपूर नहीं है। मेरा विश्वास बढ़ना है, इसलिए तू मेरे मन को एक और बार साफ कर ले, साफ कर ले प्रभु। मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं, मेरे मन को साफ कर ले, ताकि मेरे होंठ से निकलने वाली प्रार्थना तेरे सम्मुख में पहुंचे, इस दुनिया को जीतने पाए। मैं जो प्यार से इस गीत को गाता हूं, मैं उसका एक पद को गाने के लिए जा रहा हूं, गम से भरे आंसू तले
जीवन मेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले, जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से, सूली से। अगर आपसे हो सके घुटना में आके, अगर आपसे हो सके बन सकेगा घुटना में आ जाइएगा, नम्र करते प्रभु मैं अपने भाई से बहन से बैर न रखने पाऊं। ये नौ लोगों की हालत क्या है? ऊपर तीन लोग चला गया, यीशु मसीह उनसे ज्यादा प्यार करता, हमसे नहीं करता, उनको ऊंचे अनुभव में ले जाता, हमको नहीं ले जा रहा। यहां समस्या है, पार नहीं कर पाता। दोनों हाथों को उठा के घुटना में आके प्रार्थना में ही हम तेरे पास आते हैं, उस पद को गाने जा रहे हैं। प्रार्थना ही मुझे ले आता है तेरे पास, लेकिन शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ मैं चले आता हूं प्रभु, एक जबरदस्ती के साथ मैं तेरे पास आता हूं। दोनों हाथों को उठा के, अगर वो नौ लोग इन बातों को मन में रखते उनसे हो सकता था। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास की गट्टी कैसा आई, तुमने सोचा, ये नौ लोग ने सोचा, तीन लोगों को क्यों विशेषता? Why they become special when we are also called? Why they have different experience? नहीं, आइए हम उस विचार के साथ यीशु के निकट में हैं। प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना मी। पंडाल में रहने वाला भी गाएंगे, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, प्रार्थना ही मुझे ले आता तेरे पास, मेरा प्रभु यीशु राजा तेरी ही हो, हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु राजा तेरा ही हो, हालेलुया।